जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री महाराज जी की दिव्य दृष्टि। श्री महाराज जी अपने प्रेमियों के प्रति पूरी जानकारी कैसे रखते हैं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें रति आश्रम में मिला है। एक दिन प्रातःकाल यह दास प्रेमियों के संग आश्रम के बगीचे को सवार रहा था। श्री महाराज जी भी सत्संग की वर्षा करते हुए हमारे साथ काम में जुटे हुए थे। अचानक से काम से अपना हाथ रोककर श्री महाराज जी हमसे बोले कि दाड़ले के मियाँ जी की आवाज आ रही है। हमने श्री महाराज जी से प्रार्थना की कि दाड़ले के मियाँ जी किसी आवश्यक काम से रात को सत्संग में नहीं आ सकेंगे और अगले शनिवार आने का संदेशा भेजा है। हमारे इस उत्तर को सुनकर श्री महाराज जी मौन होकर मुस्कुराने लगे और हम भी इस रहस्यमय बात को ना समझकर अपने काम में लग गए। लगभग डेढ़ घंटे के बाद जब हम काम समाप्त करके नहाने की तैयारी कर रहे थे, दाड़ले के मियाँ जी भागे भागे आश्रम आ पहुंचे। श्री महाराज जी मियाँ जी को बाजू से पकड़कर हमारे पास लाए और कहने लगे कि लो, यही वह चोर है जिसकी आवाज हमें आ रही थी। जिस समय मियाँ जी घर से चले थे, श्री महाराज जी को आश्रम में काम करते करते पहले ही पता लग गया था। एक बार श्री महाराज जी अंबाला की कुछ संगत के साथ नंगल विराज रहे थे। नंगल से 60 मील की दूरी पर श्री महाराज जी की प्रेमी अत्यंत निर्धन व निर्बल मैया रहती थी। उसे श्री महाराज जी से मिलने काफी समय हो चुका था। धन और बल दोनों वस्तुओं से लाचार थी, अतः दर्शनों के लिए बहुत ही व्याकुल थी। वह नित्य काग, कुत्ता और गौ को चूरी डालकर प्रार्थना करती थी कि श्री महाराज जी को मेरी व्यथा का संदेश पहुंचा आओ। एक दिन प्रातःकाल ही तंग आकर उसने सबको धमकी दे दी कि जाओ, आज से तुम में से किसी को भी चूरी नहीं मिलेगी। तुम सबकी चूरी बनाकर मैंने अलमारी में रखी है। जब तक श्री महाराज जी इस चूरी में से स्वयं भोग नहीं लगाएंगे, तुम्हें भी चूरी नहीं मिलेगी और ना ही मैं स्वयं भोजन ग्रहण करूंगी। उधर नंगल में श्री महाराज जी को इन सब बातों का पता लग गया। श्री महाराज जी सत्संग से कहने लगे कि तुरंत टैक्सी लाओ, हमने अभी गगरेट में पहुंचकर चोरी खानी है।
सभी हैरान परेशान थे कि गगरेट का अचानक कैसे प्रोग्राम बन गया, आज्ञा का उल्लंघन कैसे हो। तत्काल टैक्सी का प्रबंध किया गया। अंबाला और नंगल की संगत सहित श्री महाराज जी गगरेट पहुंचे। श्री महाराज जी सर्वप्रथम उसी अलमारी पर झपटे जिसमें चूरी रखी हुई थी और सबके देखते देखते सारी चूरी खा गए। गगरेट वाली मैया की मनोकामना पूर्ण करके एक घंटे बाद वापिस नंगल आ गए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।